हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा आईआईटी फाउंडेशन फिजिक्स में हम आगे बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का हमारा सेकंड वीडियो है इस पार्ट में। तो शुरुआत में कुछ अलग चीज़ें बताने वाला हूँ, मतलब कि ऐसी चीज़ें जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स ऑलमोस्ट सब जगह पे हमको ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, सो दिस इज़ वेरी बेसिक, जो हम मतलब जैसे ही टेंथ के बाद इलेवेंथ में जाते हैं तो ये शुरुआत हमको पता हो जानी चाहिए। तो ये चीज़ अगर हम नाइन्थ या टेंथ से ही पढ़ के रख रहे हैं तो बहुत बढ़िया होगा। ओके, तो इसलिए ये टर्म्स मैं यहाँ पर ले आया हूँ। दो टर्म्स यहाँ शुरुआत में बताऊंगा और ऑलमोस्ट हम जितनी भी फाउंडेशन की वीडियोस बनाएंगे उसके अंदर हम यही कोशिश करेंगे कि जहाँ पर जितनी वैल्यूज ऐड कर सकें, ऐसी वैल्यूज जो आपको चाहे NTSC हो, ओलंपियाड हो, मतलब कहीं भी आपको कंसेप्ट क्लियरिंग के लिए बहुत हेल्पफुल हो। दो चीज़ें मैं यहाँ पर शुरुआत में बताऊंगा, फिर हम अपना इलेक्ट्रिसिटी से कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो इसमें पहला है ग्रीक लेटर्स या फिर ग्रीक सिंबल्स या ग्रीक अल्फाबेट्स जो इंपॉर्टेंट वाले हैं। मतलब काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आपको ऐसे सिंबल्स मिल जाएंगे जो ग्रीक या फिर लैटिन, मतलब ऐसे वाले जो, क्योंकि आपको पता है साइंस का ज़्यादातर जो रिसर्चेस है या जो भी स्टडीज, जो हमारी बुक्स बनी है वो सब वहीं के स्टडीज़ के हिसाब से बनी है ना, मोस्टली वहाँ के सिंबल्स यूज़ हुए हैं। तो वो अल्फाबेट्स, वो सिंबल्स कैसे प्रोनाउंस करना है, क्या है, वो जानना ज़रूरी है, तभी आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो तो आप कम से कम प्रोनाउंस तो कर पाओगे। ओके, सो ये जैसे कि आपको पता है अल्फा, बीटा, तो ये सारे मैं आपको बताऊंगा। ओके, जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो सब हम देख रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो प्रीफिक्स मल्टीप्लायर्स होते हैं, क्या है सर प्रीफिक्स मल्टीप्लायर्स? देखो, कोई भी न्यूमेरिकल्स मोस्टली जब आप करोगे तो आपको पता है कि कौन से सिस्टम में करना है। ऐसा सिस्टम जो पूरी दुनिया में यूज़ हो रहा है स्टैंडर्ड तरीके से, सो दैट इज़ SI सिस्टम, है ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम फॉलो करते हैं। तो कोई भी न्यूमेरिकल जो आपको SI सिस्टम में करना है, तो यानी क्या, अगर कोई क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में अगर आपको SI सिस्टम में नहीं दिया तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। जैसे कि ये 1 मेगावाट, ये 1 किलोवाट, ये 5 माइक्रोमीटर, ये 12 नैनोसेकंड, तो इसको हम कैसे SI सिस्टम में कन्वर्ट करें? जैसे कि पहले दो को हमको वैट में करना पड़ेगा, ये मीटर में होगा, ये सेकेंड में होगा, तो ये नैनो, ये माइक्रो, ये मेगा, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? अगर ये आप जान जाओगे तो कहीं भी आपको कोई भी न्यूमेरिकल में जो कन्वर्जन वाला पार्ट है एटलीस्ट वो आपका काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। ओके, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो कन्वर्जन नहीं करोगे, आपने अगर कैलकुलेशन कर दिया, वैल्यूज डाल के सही भी किया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक ही यूनिट सिस्टम में लेके नहीं किया होगा। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्रीफिक्स मल्टीप्लायर्स और दूसरा ग्रीक लेटर्स। तो पहले इसे शुरू कर लेते हैं कि भाई ये पहला वाला क्या है। दिस इज अ ग्रीक लेटर अल्फा, ये तो काफी लोगों को पता होगा। ये वाला है बीटा, दिस इज गैमा, मामा मत बोलना, गैमा है ये। एंड दिस इज क्या है भाई, ये है रो। ये वाला है स्मॉल लेटर डेल्टा एंड दिस इज कैपिटल लेटर डेल्टा, ठीक है, जैसे हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स में जैसे होते हैं डी स्मॉल कैपिटल, वैसे यहां पर दिस इज कॉल्ड डेल्टा। ये है एप्सिलॉन, ठीक है, एक अप्सिलॉन भी होता है, एप्सिलॉन भी होता है, तो अप्सिलॉन डिफरेंट है। मैं यहां पर बोला मैंने कि इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहां बता रहा हूं, ठीक है, तो उसके अंदर मैं ये सब कंसीडर कर रहा हूं। यहां पर दिस इज सिग्मा, ठीक है, मैथ्स में समेशन के लिए भी हम ये बड़ा वाला सिग्मा यूज करते हैं, ये स्मॉल सिग्मा, ये कैपिटल लेटर सिग्मा। फिर ये तो पता ही होगा, दिस इज थीटा, दिस इज फाई, ये क्या है पाई, दिस इज ईटा, ये वाला सिंबल क्या है, दिस इज माइक्रो, है ना, म्यू, माइक्रो नहीं, दिस इज कॉल्ड म्यू। एंड मतलब माइक्रो के लिए हम यहां पर ये एक्चुअली यूज करते हैं म्यू वाला सिंबल। ओके, नाउ दिस इज न्यू, म्यू न्यू, और ये है लैम्डा, दिस वन इज ओमेगा। ओमेगा देखो, ये स्मॉल लेटर और ये कैपिटल लेटर, ये रेजिस्टेंस के लिए इसका यूनिट जो हम ओम लिखते हैं वो ये यूज करते हैं ओमेगा। दिस इज टाऊ, टाऊ नहीं टाऊ, ये है काय और ये है साई, PSI, ठीक है। तो इसके अलावा भी जैसे कि आयोटा, मतलब लाइक स्मॉल लेटर आई, थोड़ा ऐसा तिरछा टाइप होता है आयोटा। फिर एक है के जैसा है जिसको बोलते हैं कापा, सो दिस इज कापा।
फिर है जेटा, जेड लेटर ऑलमोस्ट, तो और भी चीज़ें हैं ऐसे, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट वाले हैं इतना तो कम से कम आप पता कर लो, याद रख लो, ओके बहुत इम्पॉर्टेंट। दूसरा है ये प्रीफिक्स मल्टीप्लायर्स। प्रीफिक्स मल्टीप्लायर्स में बहुत आसान होता है अगर आपको ये चीज़ें पता हो। क्या है उससे पहले मैं बता दूं कि देखो, जैसे आपको इस मेगावाट को वाट में बदलना है, मतलब मेगा की वैल्यू क्या है वो बस डाल देनी है बीच में, है ना, वन मेगा वाट, तो वन और वाट लिख दिया। अब ये मेगा की वैल्यू क्या है देखो मैं डाल दूंगा सीधे, ऐसे ही वन किलो वाट, तो वन और वाट, किलो की वैल्यू क्या है वो डाल देनी है, देखो बीच वाला यही चेंज कर रहे हैं हम। फाइव माइक्रोमीटर, 12 नैनो सेकेंड, उनकी वैल्यूज क्या है वो डाल दो। तो वैल्यूज कहां से आएंगी देख लो, माइनस के लिए एक सेट, प्लस के लिए एक सेट। अब इसमें से जो सबसे जरूरी वाला है वो मैं यहां पर जरूरी वाला इसलिए कह रहा हूं कि देखो जरूरी तो सभी है, लेकिन जो काफी टाइम आपको यूज होता रहेगा, और ये डेसी सेंटी तो शायद आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा। 10^-1 का मतलब होता है डेसी, 10^-1 मतलब क्या, 1/10, है ना, ऐसे ही 1/100, अपॉन 100 करना है तो दैट इज सेंटी, सो दिस इज डेसी सेंटी, 10^-2, और छोटा देखो स्मॉल डी स्मॉल सी, ये भी देखते जाओ। 10^-3 इज मिली, 10^-4 इज माइक्रो, नैनो हो तो मतलब 10^-9, देखो माइक्रो के लिए स्मॉल ये म्यू लेटर यूज हुआ है, नैनो के लिए स्मॉल एन। 10^-12 होगा पीको, मतलब अगर पीको है तो 10^-12, फेमटो है तो उसका मतलब है 10^-15 स्मॉल एफ स्मॉल पी, एटो 10^-18 स्मॉल ए, 10^-21 का मतलब जेप्टो स्मॉल जेड, योक्टो स्मॉल वाई जो है 10^-24, वैसे 10^-18 तक बहुत ज्यादा हो जाता है हमारे लिए एटलीस्ट। इसके बाद 10^-1 है तो डेका डी ए, हेक्टो 10^-2 स्मॉल एच, किलो स्मॉल के 10^-3, मेगा रहेगा कैपिटल एम 10^-6, गीगा इज कैपिटल जी 10^-9, टेरा इज कैपिटल टी 10^-12, पीटा इज 10^-15, एक्सा इज कैपिटल ई 10^-18, जेटा का मतलब है कैपिटल जेड 10^-21, और योटा का मतलब कैपिटल वाई 10^-24। अब इसको कैसे पुट करना होता है, जैसे कि यहां पर है 1 मेगावाट, तो मैंने बताया कि 1 और वाट लिख दो, मेगा की जगह पर क्या डालना, देखो मेगा का मतलब है यहां पर 10^6, तो यहां पर डाल दिया हमने इंटू 10^6। ऐसे ही किलो का मतलब है 10^3, तो यहां पर डाल दिया इंटू 10^3। जैसे 1 किलो वाट इज 1000 वाट, 10^3 मतलब 1000 हुआ, राइट, वैसे ही 1 माइक्रोमीटर, माइक्रो का मतलब क्या है देख लो, 10^-6, सो दिस इज इंटू 10^-6 मीटर। नैनो का मतलब है 10^-9, तो दिस इज इंटू 10^-9, जो वैल्यूज है बस उसकी जगह पर हम वो पुट करते जा रहे, ठीक है। तो यानी इस तरह से बहुत आसानी से कन्वर्जन हो जाएंगे अगर आप ये याद रख ले। देखो मोस्टली माइनस वाले में स्मॉल लेटर्स यूज हुए हैं, प्लस वाले में देखो यहां से सारे कैपिटल, ये सब को छोड़ दो अगर ये स्मॉल में है, तो आप ये सिंबल्स के साथ इसको याद रखो, इसको लर्न रखो, और थोड़ा दिमाग लगाओगे थोड़ा तरीका लगाओगे तो याद रखना आसान भी होगा। जैसे कि यहां पर देखो -21 के लिए जेप्टो जेड से, और यहां भी जेटा जेड से, तो +21 के लिए, -24 के लिए योक्टो था वाई से, यहां भी योटा 10^-24, तो इस तरह से थोड़ी अपनी लॉजिक लगाओगे तो याद रखना आसान होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये यहां वाली पट्टी तो याद कम से कम रखो ही, 10^2 ये 3 वाले से लेके 18 वाले तक, तीन तीन के मल्टीपल्स में ये वाला एकदम अच्छे से इसको लर्न कर लो, ताकि आप ये कन्वर्जन जो है आसानी से कर सको। और काफ़ी टाइम आप इस तरह से की चीज़ें एनकाउंटर करते हो, काफ़ी टाइम ऐसा तुमको फेस करना होता है, जैसे कि हम नेट की स्पीड किलो बाइट मेगा बाइट, है ना, फिर जो हमारी मेमोरीज होती है पेन ड्राइव का गीगा बाइट, आजकल हार्ड डिस्क आ गए हैं टेरा बाइट, तो ये सब मतलब समझ रहे हो आप, किलो बाइट का मतलब कितना है 10^3, किलो का मतलब 10^3 यानी 1000 बाइट, मेगा का मतलब क्या है 10^6 बाइट, दिस इज 10^गीगा 10^9 बाइट, टेरा यानी 10^12 बाइट, ठीक है। तो यानी कि यहां पर इन सब की वैल्यूज डाल दो, आपको समझ में आ जाएगा कितना क्या वहां पर वो हिसाब किताब है, ठीक है।
तो काफ़ी टाइम हम ये सब चीज़ें मतलब मिलती हैं हमको लाइफ में, हमको अगर ये चीज़ पता हो तो हम काफ़ी टाइम इसको आंसर कर पाएंगे। ओके, तो ये चीज़ तो हो गई, अब हम बढ़ते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी वाली टॉपिक से, कंटिन्यू कर रहे हैं। ये चीज़ अच्छे से लिख लो, इसका चार्ट बना के और अपने घरों में सजा दो अच्छे से, अपने रूम में, बेडरूम में, जहाँ भी लगाना है लगा दो, और इसको भूलना नहीं कतई भी, क्योंकि अगर आप फिजिक्स से और केमिस्ट्री से के कंसेप्ट को लेके चलोगे तो काफ़ी टाइम ऐसी चीज़ें आती रहेंगी। तो भाई इसको कहीं भी जहाँ पर मैं अभी मतलब रुका था वहाँ पर आप इसको लेके और स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एंड लेट्स मूव अहेड। तो पिछली बार हमने चार्ज के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा, चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज़ कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, नेचर क्या होता है, चार्ज के बीच में फोर्स की वैल्यू कैसे लिखी जाती है, कौन सा लॉ था, कूलम्स लॉ। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो भाई ये आईआईटी फाउंडेशन का कोर्स है, कोई किसी एकदम हम स्पेसिफिक अभी फ़िलहाल कोई एग्ज़ाम की जल्दी नहीं है, तो अच्छे से एकदम सिस्टमैटिक वे से करो ताकि जो आपका टारगेट है वो पूरा हो सके। और सिर्फ आईआईटी ही क्यों, चाहे वो एनटीएससी हो, ओलंपियाड हो, या फिर एनडीए की जो तैयारी कर रहे हैं, जो लोग भी आगे की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सबके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, आईआईटी का हो या मेडिकल का हो, जो भी स्ट्रीम का हो, सबके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपको पता है साइंस स्ट्रीम में तो भाई फिजिक्स हर जगह पे आना है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ओके, सो मूविंग अहेड, यहां पर अब मैं बात करने वाला हूं, चार्ज तो हमने कर लिया है, अब यहां पर देखेंगे सबसे पहले कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, किसको बोलते हैं हम कंडक्टर्स? वो सारे मटेरियल्स जो बहुत आसानी से इजीली अपने थ्रू चार्ज को पास होने देते हैं, और जो पास होने नहीं देते हैं उनको हम इंसुलेटर्स कहते हैं। मटेरियल्स दैट अलाउ चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम वो भी कैसे इजीली, इनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स, सिर्फ मेटल्स ही नहीं होते भाई, अलॉयज भी करते हैं। मतलब अलॉयज क्या होते हैं, मेटल्स में ही जब कुछ मेटल या नॉन मेटल मिलावट किया जाता है तो अलॉय बनता है। और इसके अलावा जैसे कि कुछ सॉल्यूशंस भी होते हैं, जैसे NaCl को पानी में डाल दिया या किसी एसिड या बेस को पानी में डाल दिया तो वहाँ पर आयंस, एनायंस, कैटायंस बन जाएंगे। ऐसे सॉल्यूशंस को जो कंडक्शन करते हैं उनको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस कहा जाता है। राइट, और इसके अलावा कुछ गैसेस भी होते हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर के, तो क्या कह सकते हो आयोनाइज्ड गैसेस। आयोनाइज्ड गैसेस मतलब क्या, जब गैस जो है वैसे तो नॉर्मली वो न्यूट्रल होता है लाइक एटम्स, लेकिन जब उसको हम एक्सरे से या किसी चीज़ से उसको चार्ज कर दें तो आयंस बन गया, और ऑब्वियसली आयंस मतलब चार्ज पार्टिकल हो गया, तो वो कंडक्शन करेगा। सो यानी कि देखो कंडक्टर में सॉलिड्स भी आते हैं, लिक्विड्स भी आते हैं, गैसेस भी आ सकते हैं। ओके, इसके बाद इंसुलेटर्स में क्या क्या आ सकता है सर? मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम, ठीक है, दे डू नॉट अलाउ चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम, या फिर ये क्या करते हैं, ये चार्ज को अपने अंदर से रेजिस्ट करते हैं, अपने अंदर से जाने नहीं देते, रोकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर, एकदम प्योर वाटर, कोई भी इम्प्योरिटी नहीं, इम्प्योरिटी अगर होगी एसिड बेस या सॉल्ट की फॉर्म में तो वो कंडक्शन करने लगेगा। हम टैप वाटर की बात नहीं कर रहे, टैप वाटर कंडक्शन कंडक्टर हो जाएगा, डिस्टिल्ड वाटर में ठीक है नहीं होता कंडक्शन। अल्कोहल, ग्लिसरीन, ओके, रबर, वुड ड्राई फॉर्म में,
ठीक है, तो ऐसी चीजें, इवन ग्लास, तो काफी सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो इंसुलेटर्स भी हैं। हम जैसे मेटल्स को यहां इंक्लूड करते हैं, वैसे मेनली हम जब चैप्टर पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो यहां पर हम नॉन मेटल्स की बात ज्यादा करते हैं, ठीक है। पर यहां पर भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? ग्रेफाइट। तुमको पता होगा कि ग्रेफाइट कार्बन का एक ऐसा एलोट्रोप है, एक ऐसा टाइप है। कार्बन के टाइप में काफी सारी चीजें आती है एलोट्रोप्स में, जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलरीन हो गया। तो इसमें ग्रेफाइट ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, रीजन उसके बॉन्डिंग के तरीके में, ठीक है। तो यहां पर हमने ये समझ लिया कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। अब इसमें एक बात और हम देख सकते हैं कि जैसे कंडक्टर्स, कोई भी चीज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, मतलब क्या होता है जिस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। तो आप एक कंडीशन को समझ लो कि क्या जरूरी है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए। यहां पर लिख देता हूं, टू बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होने के लिए क्या चीज चाहिए होता है? अ मटेरियल या द मटेरियल शुड हैव, देखो यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं, फ्री चार्ज कैरियर्स। ये बहुत जरूरी होता है, फ्री चार्ज कैरियर। कोई भी चीज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तभी हो पाएगी जब उसके अंदर चार्जेस फ्रीली मूव करने के लिए अवेलेबल होने चाहिए। अगर चार्जेस हैं लेकिन वो फ्री नहीं है, रिजिड है, जगह पर रुके हुए हैं, मूव नहीं कर सकते, तो फिर वो कंडक्शन नहीं कर पाएगा। सो टू बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या जरूरी है? कि भाई वहां पर उस मटेरियल में फ्री चार्ज कैरियर्स अवेलेबल होने चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं मेटल्स की, तो मेटल के वायर में ऐसा क्या होता है कि वो कंडक्शन करता है, और नॉन मेटल्स में ऐसा क्या होता है कि वो कंडक्शन नहीं करता, ठीक है। तो सपोज मैं मेटल का एक बल्क ले रहा हूं और एक पीस लिया है मैंने नॉन मेटल का, तो इसमें क्या फर्क है? तो पहले तो ये समझो कि इनका जो रिलेटिव एटॉमिक साइज है वो कैसा होता है? बड़ा होता है। किसमें? मेटल्स में। रिलेटिवली देयर एटॉमिक साइज इज लार्ज। नॉन मेटल्स में जनरली जो उनका एटॉमिक साइज है, कैसे होते हैं उनके एटम्स, कंपेयर करें अगर तो स्मॉल होते हैं, ठीक है। मतलब अब इसका जो एक और मेन रीजन है वो ये है कि तुमको पता होगा मेटल्स जनरली इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं, नॉन मेटल्स लूज करना पसंद नहीं करते, बल्कि वो गेन करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो जब अगर हम बात करते हैं मेटल के एटम्स की, मान लो ये उसका न्यूक्लियस है, जो आपको पता होगा न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स का कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन्स का चार्ज पॉजिटिव होता है। तो बेसिकली न्यूक्लियस जो है वो कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज का होता है। तो मैं ये मेटल का न्यूक्लियस भी दिखा रहा हूँ, नॉन मेटल का भी। तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर समझो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगेन आगे वाली ऑर्बिट ऐसे इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए। हालांकि इस तरह से पता है आपको एक ही ऑर्बिट में सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ऑर्बिट के अंदर भी सबशेल्स होते हैं, ठीक है, बट ये कंसेप्ट समझने के लिए हम इसको ऐसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ओके। तो जब हम देखते हैं मेटल्स को जिनकी साइज जनरली बड़ी होती है, ओके, कंपेयर टू नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स में एटॉमिक साइज अगर छोटी है, तो मान लो कि कुछ ये हाल है। तो अब यहां पर क्या पॉसिबिलिटी बनती है वो देखो। सो व्हेन आई से यार नॉन मेटल जिनकी एटॉमिक साइज छोटी है, तो उससे होगा क्या और मेटल्स में क्या हो रहा है? तो यू कैन सी हियर कि जो कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है जो न्यूक्लियस से बहुत दूर है, जैसे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर वेरी मच अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। और तुमको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है नेगेटिव और यहां पर न्यूक्लियस का चार्ज होता है पॉजिटिव। तो अपोजिट चार्ज होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को जो न्यूक्लियस है वो अट्रैक्ट कर पाता है, ठीक है। सो दिस न्यूक्लियस कैन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर ये अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, सो ये अट्रैक्शन हो पा रहा है। ओके, तो अभी जब हम यहाँ पर बड़े एटम की बात कर रहे हैं, तो बड़ा एटम का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है इतना अच्छे से होल्ड नहीं कर पा रहा न्यूक्लियस, क्योंकि बहुत दूर पड़ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से जंप कर जाता है। कहाँ की बात कर रहे हैं, मेटल्स में विच हैव लार्जर साइज। नॉन मेटल्स में एटॉमिक साइज छोटी है, तो एटम छोटा है तो मतलब क्या हुआ कि सारे इलेक्ट्रॉन बहुत नज़दीक हैं, और इसके लिए न्यूक्लियस जो है बहुत अच्छे से सभी इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के या बांध के रखता है। सो दैट फोर्स इज वेरी मच गुड बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड एटम इज लेस। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है कहीं भाग नहीं पाता, जबकि इसमें हम देखो इलेक्ट्रॉन हम देख पा रहे हैं कि एटम से बाहर निकल जा रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पर जो सपोज मैं अगर इस मेटल के एटम्स को दिखा रहा हूँ, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि इन एटम्स में से अगर मान लो हर एटम में से एक आध इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल चुका है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, अपने एटम से फ्री हो गया है। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड, जो बाहर आए, सभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं, जो इलेक्ट्रॉन एक आध इलेक्ट्रॉन जो बाहर आए हैं लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड व्हाट, दे आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। एंड व्हाट अबाउट दिस, नॉन मेटल में क्या है, मतलब ऑलमोस्ट लाइक ऐसा तो एकाध तो फ्री हो ही जाएगा, पर हम ये दिखा कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स में, क्योंकि ये रीजन है कि भाई एटम छोटे हैं, इलेक्ट्रॉन जनरली फ्री नहीं होते, तो वहां पर यू कैन से दैट देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। और मेटल में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और अभी हमने क्या बोला, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है, कि चार्ज जो है वो फ्री होना चाहिए, चार्ज वहां पर फ्री होना चाहिए। और वो हम कहां पर देख पा रहे हैं, वो हम देख पा रहे हैं यहां पर। सो दिस फ्री इलेक्ट्रॉन द मेटल्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या करंट। करंट क्या होता है, बस हम इसके बाद देखने ही वाले हैं। तो इस चीज को समझ लो कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में क्या फर्क होता है। कंडक्टर्स में फ्री चार्जेस अवेलेबल होते हैं, जिस वजह से वो गुड कंडक्टर या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है, चार्ज अवेलेबल है फ्री टू मूव। एंड यहां पर इंसुलेटर में चार्ज जो है वो अवेलेबल नहीं है फ्रीली, चार्ज है तो सही लेकिन फ्रीली अवेलेबल नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा थोड़ा 10th के ऊपर, व्हाट इज़ दैट, कि जो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस हैं उसमें क्या होता है। वैसे काफ़ी बच्चों को इसके बारे में आइडिया होगा, पर वो भी हम देख लेते हैं। तो अब मैं इसको, ये वाली चीज़ को मिटा देता हूँ, और ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में, यानी ऐसे सॉल्यूशंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें एग्जैक्टली क्या होता है। ओके, सो सबसे पहले आपको पता होगा कि ये जो सिंबल है ये किसके लिए है, दिस इज फॉर सेल, और एक से ज्यादा सेल है ना, ये प्लस पॉजिटिव ऑफ द सेल, दिस इज नेगेटिव ऑफ द सेल, सर्किट सिंबल में ऐसा दिखाते हैं। और ये वाला जो एक से ज्यादा जब सेल दिखाया जाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बैटरी कहते हैं। सो सेल एंड बैटरी। ओके, अब इसमें इस केस में जब हम कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो मान लो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल है और इसके अंदर हमने सॉल्यूशन लिया है NaCl का। किसका सॉल्यूशन लिया है, नमक का। सो NaCl डिजॉल्व्ड इन वाटर, सपोज NaCl प्लस वाटर लिया हमने, तो अब इसमें क्या करना है, करंट पास करना। तो मान लो ग्रेफाइट रॉड ले लिया, ये प्लस है ग्रेफाइट रॉड कनेक्ट किया है, और नेगेटिव से एक दूसरा ग्रेफाइट रॉड, और मान लो कि करंट को टेस्ट करने के लिए हमने यहां पर एक बल्ब लगा दिया, ये बल्ब का सिंबल है। तो जब हम NaCl को जैसे ही पानी में मिलाते हैं, वो पानी में जाके डिसोसिएट होता है, यानी ब्रेक हो जाता है। ओके, तो यानी कि NaCl व्हेन मिक्स्ड इन वाटर इट फॉर्म्स Na प्लस एंड Cl माइनस। एक बात याद रखो, जो पॉजिटिव रॉड होता है, पॉजिटिव रॉड को क्या कहा जाता है, पॉजिटिव रॉड को एनोड कहते हैं, एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कहते हैं। सो दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड। अब होगा क्या, हमने पता है कि भाई इस सॉल्यूशन के अंदर दो टाइप के आयंस प्रेजेंट है, एक है Na प्लस और दूसरा है Cl माइनस। तो पूरे सॉल्यूशन में आपको दिखेंगे भाई Na प्लस है, Cl माइनस है, Na प्लस है, Cl माइनस, काफी सारे होंगे।
तो ये डिसोसिएशन की वजह से, जब हम करंट पास करेंगे, ऐसा नहीं कि करंट पास करने से डिसोसिएशन हुआ, आप जैसे ही NaCl को पानी में डालोगे वो ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है, नॉट ऑल मॉलिक्यूल्स बट स्टिल वो ब्रेक होंगे। ओके, तो यहां पर अब हम करंट पास करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, तो कैसे करंट पास होगा, ये तो कनेक्शन तो है नहीं। आपको पता होगा करंट पास करने के लिए सर्किट क्लोज होना बहुत जरूरी है। अगर सर्किट कहीं से भी ओपन है, मान लो एक की लगा दिया, यहां से वायर ब्रेक कर दिया, तो करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्किट टू बी क्लोज्ड। तो यहां से तो वायर देखो जुड़ा हुआ है इतना, पर यहां से ये कनेक्टेड नहीं है। तो अगर ये जो सोल्यूशन है ये कंडक्टर हुआ तो ये उस सर्किट को क्लोज कर पाएगा या कंप्लीट कर पाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि यहां से यहां चार्ज जो है वो फ्लो हो पाए। कैसे होगा? सो जैसे ही हम करंट पास करते हैं तो अब क्या होता है, जो नेगेटिव आयन है वो कहां जाएगा, पॉजिटिव रॉड के पास, पता है अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, और जो पॉजिटिव आयन है वो जाएगा नेगेटिव रॉड के पास। तो जो नेगेटिव रॉड या जो आयन एनोड के पास जा रहा है उस आयन को हम कहते हैं एनायन, ठीक है, एनोड के पास कौन जाता है, एनायन। तो एनोड का चार्ज पॉजिटिव लेकिन एनायन का चार्ज क्या है, नेगेटिव है। कैथोड के पास जाता है इसलिए इसका नाम पड़ गया कैटायन। तो सोडियम का कैटायन है ये और क्लोरीन का एनायन। कैथोड इज नेगेटिव बट कैटायन इज पॉजिटिव। तो अब क्या होगा, ये जा रहे हैं वहां पर और उसके बाद क्या होगा, तो मैं वो दिखाता हूं कि एनोड पे, एट एनोड क्या इफेक्ट होगा। तो एनोड पे यानी पॉजिटिव रॉड के पास जब Cl- जाएगा तो वहां पर देखो एक इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा है। Cl- का मतलब इट इज हैविंग वन इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, जो प्लस है उसमें उतना इलेक्ट्रॉन कम है। पॉजिटिव आयन का मतलब इट इज शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव आयन का मतलब इट इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, अगर टू माइनस होता तो दो इलेक्ट्रॉन एक्सेस, फिलहाल एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो वो इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, उस रॉड को, बिकॉज रॉड पॉजिटिव है इलेक्ट्रोड, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन दे देगा और फिर वो एटम बन जाएगा। लेकिन क्लोरीन कभी भी सिंगल एटम में बहुत ही नेसेंट होता है, बहुत ही रिएक्टिव होता है, इसलिए वो एक और क्लोरीन के आने का वेट करेगा, दूसरा क्लोरीन आ जाएगा वो भी इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब ये दोनों मिलके और यहां पे बबल फॉर्म करेंगे, किस चीज का, Cl2 का। तो यानी इस तरह से Cl2 बबल्स, क्लोरीन के बबल्स यहां से निकलते हुए दिखाई पड़ेंगे। यानी एनोड पे हुआ क्या, दो क्लोरीन्स आए, दो क्लोरीन के आयन्स आए या कहो तो एनायन्स आए और उन्होंने अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, यानी दो इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, एक क्लोरीन ने एक दिया तो दो क्लोरीन ने दो इलेक्ट्रॉन दिया मिला के, और फिर क्लोरीन का ये गैस Cl2 गैस यहां पर फॉर्म कर दिया, ठीक है। बात करें अगर हम कैथोड की तो वहां पर क्या हुआ, एट कैथोड पे क्या हुआ, देखो नेगेटिव रॉड था और उसके पास कौन आया, उसके पास पॉजिटिव आयन आया। मैंने बताया पॉजिटिव आयन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन अब यहां पर कम है, तो वो इलेक्ट्रॉन इस रॉड से ले लेगा। ओके, देखो ये सब करने से पहले एक चीज और क्लियर करो कि जब करंट की बात होती है, जो हम करेंगे एग्जैक्टली जो है वो पॉइंट और डेफिनेशन करेंगे, पर ये सारा जो करंट का लॉजिक है, मतलब चार्ज को फ्लो कराना है, यहां पर बेसिकली मेन तो यही चार्ज को फ्लो कराना है। तो हमने सेल यूज किया लेकिन वो चार्ज फ्लो होना चाहिए। तो चार्ज के फ्लो होने में दो टाइप के एलिमेंट्री पार्टिकल्स है चार्ज में, एक है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और दूसरा है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है तो वो फ्लो नहीं कर सकता। तो जो पूरा करंट का लॉजिक है वो सब किससे क्लियर होता है, इलेक्ट्रॉन से। तो बेसिकली हमको इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना होता है जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, ठीक। तो यहां पर देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर एक्स्ट्रा है, जहां भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा वहां से दूसरे वाले में जाएगा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन सोडियम ले लेगा और ये जो आयन था ये सोडियम का, ये सॉलिड सोडियम बनके और फिर यहां पर डिपॉजिट हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में बनके यहां पर डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस तरह से एनोड के पास, मतलब कैथोड के पास क्या हुआ, सोडियम आयन आया, उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया रॉड से एंड इट बिकम्स सोडियम सॉलिड जो वहां पर डिपॉजिट हुआ। तो यानी यहां पर सोडियम डिपॉजिट होता जाएगा और यहां पर क्लोरीन के बबल्स निकलते जाएंगे। तो इस तरह से अब हो क्या रहा है कि ये जो सॉल्यूशन है ये कंडक्शन कर रहा है और ये बल्ब ग्लो होगा। कैसे ग्लो हुआ सर, मतलब इसमें आप बेसिकली ये कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से लिया जा रहा है
मतलब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स रॉड से लिए जा रहे हैं, और देखो यहाँ पर क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन इधर दिया, मतलब सॉल्यूशन से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिए जा रहे हैं। सोडियम आया यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ठीक है। क्लोरीन आया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का एक फ्लो कंटिन्यू हो रहा है, कहाँ से कहाँ, इधर से सॉल्यूशन में और सॉल्यूशन से यहाँ में। तो यहाँ पर कह सकते हो कि जो सॉल्यूशन है ये एक क्लोज सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करने में हेल्प कर रहा है, बिकॉज दिस वॉज हैविंग फ्री चार्ज कैरियर। अगेन वो थियरी आ गई वापस कि जब भी कोई भी चीज़ को हम गुड कंडक्टर तब कहते हैं जब वो उसके अंदर फ्री चार्ज अवेलेबल होता है। यहाँ पर चार्ज फ्री थे कौन से फॉर्म में, आयन्स की फॉर्म में, कैटायन्स एंड एनायन्स, और ये आयन्स ने क्या किया यहाँ पर, ये करंट को सर्कुलेट कराया। और नाउ कमिंग टू, देखो हम पहले करंट पढ़ के ये कर सकते थे, लेकिन इस तरह से भी करें तब भी हम अब करंट को पढ़ पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ करंट। तो अब ये चीज़ें अगर क्लियर हो गई हो कि भाई इलेक्ट्रिक, अगर हमको ये इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट लाना है तो हमको ऐसे मटेरियल्स यूज करने होंगे जो अपने अंदर से इजीली चार्ज को फ्लो होने देते हैं। सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और ज़्यादा डिस्कशन हमारा जो रहेगा वो मेटल्स को लेके रहेगा, बिकॉज दे आर ऑब्वियसली गुड एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। देखो मेटल्स को अगर हम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मानते हैं, मतलब वो बहुत इजीली पास करता है चार्जेस को, अपने अंदर से पास होने देता है, सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एलिमेंट्स के अंदर। नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें, मतलब एलिमेंट में तीन कैटेगरी होती है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स कैन बी कॉल्ड पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे ही एक और होते हैं मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स के बारे में क्या कह सकते हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, तो दे आर, मतलब मेटलॉइड्स क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की है, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की है, ओके। सो दे हैव प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। तो यहाँ पर इसमें कंडक्शन में भी ऐसे होता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स। मेटलॉइड्स लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, तो ये लोग क्या हैं, दे शो कंडक्शन, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करते हैं, पर एट सर्टन कंडीशन, जब थोड़ा सा उसमें एनर्जी जाएगा ना तो वो कंडक्शन शुरू करते हैं। तो ये लॉजिक इनफैक्ट मेटलॉइड्स का जो कंसेप्ट है, सिलिकॉन जर्मेनियम का जो यूज है, एप्लीकेशन है, सेमीकंडक्टर्स में इतना ज़्यादा है, दे आर हेंस कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स का यूज इतना ज़्यादा है कि जो मेनली हमारा जितना रोबोटिक्स है, कंप्यूटर्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जितनी भी आप ऐसी चीज़ें देखते हो जो ऑटोमेटिक चलती है, सेंसर पे बेस्ड होती है, तो वो सब कुछ सेमीकंडक्टर्स पे ऑपरेटेड है, ओके। चाहे मोबाइल फ़ोन की बात करें, कंप्यूटर्स की बात करें, रोबोट्स की बात करें, ये जो पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में जो बदलाव आया है ना, ये सेमीकंडक्टर्स की वजह से आया है। सो इनफैक्ट मेटल्स से ज़्यादा आप कह सकते हो कि यूजफुल यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में सेमीकंडक्टर्स है। ऐसा नहीं कि सेमीकंडक्टर में सिर्फ मेटलॉइड्स आते हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम जैसे, उसमें कंपाउंड भी बनाए जाते हैं, या फिर कहो तो अलॉयज बनाए जाते हैं, मिक्सचर्स बनाए जाते हैं, ऑर्गेनिक, आजकल तो काफ़ी सारे सेमीकंडक्टर्स आ गए, पर उसको हमको अलग टॉपिक के अंडर पढ़ना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में नहीं पढ़ रहे हम, ओके। इसके अलावा सुपर कंडक्टर्स भी होते हैं। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं कि मेटल्स को ही या मेटल के कुछ अलॉयज भी होते हैं, जिनको अगर हम, या कहो तो कंडक्टर्स को अगर हम सुपर कूल करें, मतलब उनका एक टेम्परेचर होता है हर मेटल के लिए अलग अलग है, तो समझो कि अगर मैं बात कर रहा हूँ मर्क्यूरी की, सुपर कूल करें अगर हम, मतलब कि वो सुपर कूल इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि भाई फ्रिज में डाल दिया तो कूल हो जाएगा, वो एकदम 4 केल्विन, 5 केल्विन, 10 केल्विन, 100 केल्विन, मतलब 100 केल्विन तो फिर भी ज़्यादा हो गए, ये 0 केल्विन, 1 केल्विन, 2 केल्विन, ऐसे वाले हर मेटल के लिए अलग होता है, उतना हमको फ्रीज करना, केल्विन तो पता ही आपको, 0 केल्विन का मतलब -273 डिग्री सेल्सियस, तो इतना कूल करना पड़ेगा। इतना कूल करने के बाद जो मेटल्स है या जो कंडक्टर्स है, वो उनके अंदर की जो करंट पास करने की कैपेसिटी ना, बहुत ज़बरदस्त हो जाती है, कुछ रेजिस्ट नहीं हो पाता उसके अंदर, एकदम ज़बरदस्त करंट का कंडक्शन होता है,
तो ऐसे में उनको हम सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। ठीक, वो चीज़ें हम वैसे जब आएगी तो देखते रहेंगे, फिलहाल हम बात कर रहे हैं करंट के बारे में। ओके, सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? ओके, तो करंट को हम पहले तो सिंबलाइज करते हैं लेटर आई से, और इसकी अगर हम यूनिट की बात करें तो वो होती है एम्पियर। ठीक है, अब ये जो करंट की एसआई यूनिट कह सकते हो, एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर है। और इसको मेजर करते हैं, जो जिस डिवाइस से इसको मेजर करते हैं उस डिवाइस, उस इंस्ट्रूमेंट को एमीटर कहा जाता है। एमीटर, मिली एमीटर, माइक्रो एमीटर, क्योंकि सिर्फ एम्पियर नहीं ना, इसमें हम माइक्रो एम्पियर से मेजर कर सकते हैं, मिली एम्पियर से मेजर कर सकते हैं, किलो एम्पियर से मेजर कर सकते हैं। माइक्रो मिली किलो का मैंने बताया कैसे मतलब कन्वर्जन करना है। तो इसको हम सर्किट में एमीटर को कुछ ऐसे दिखाते हैं, एक साइड में प्लस होता है, एक साइड में माइनस। अगर मिली एमीटर है तो एम ए लिख देंगे अंदर, अगर माइक्रो एमीटर है तो म्यू ए लिख देंगे अंदर। तो इस तरह से मतलब वो चीज़ें करंट मेजर होंगी। अब बात ये आती है कि करंट होता क्या है। और अगर हम करंट की बात करें, मैंने बताया चार्ज का फ्लो होना, पर सिर्फ चार्ज का फ्लो होना नहीं, चार्ज जो फ्लो हो रहा है, जितना भी फ्लो हो रहा है वो कितनी तेजी से फ्लो हो रहा है, ये भी होता है। तो बेसिकली इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, सो मैं लिख सकता हूं करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम करंट कहते हैं। मतलब अगर एक सर्किट है, समझो सेल लगाए, बल्ब लगाए, जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर रिक्वायर्ड, ये की है जिसको अगर हम अभी फिलहाल ओपन है, टैब की है, अगर इसको हम क्लोज कर देते हैं इस टैब की को, तो सर्किट क्लोज हो जाएगी, मतलब कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लोज का मतलब बंद नहीं होता, यहाँ पर क्लोज का मतलब कि सर्किट को हम ऑन कर रहे हैं और यहाँ पर करंट शुरू हो जाएगा, करंट स्टार्ट होगा। समझो अगर यहाँ पर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है इन टाइम टी, तो करंट कैसे लिख सकते हैं, करंट इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, जब भी आता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जब रेट आ रहा है मतलब ऐसे डिवाइड बाय टाइम लिख दो, फ्लो ऑफ चार्ज ऐसे कहा करो, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जैसे आपने पिछली बार मतलब मैकेनिक्स में, या फिर कहो तो आपके मोशन के चैप्टर्स में, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो जब भी रेट ऑफ आया मतलब डिवाइड बाय टाइम, सो करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, तो यहां पर अगर चार्ज को हम की यूनिट हम कूलम लिखते हैं, एसआई यूनिट, और टाइम की सेकेंड, तो यानी कि यहां पर करंट की एसआई यूनिट क्या हो गई, इसकी एसआई यूनिट हो गई कूलम पर सेकेंड। और इसी कूलम पर सेकेंड को अपन क्या कहते हैं, इसी को हम एम्पियर कहते हैं, इसी को हम एम्पियर कहते हैं। सो वन एम्पियर कितना होगा सर, वन एम्पियर का करंट कितना होगा? तो सिंपल है, अगर हमने इसको वन कूलम लिया और इसको वन सेकेंड लिया तो वो कितना हो गया, वन एम्पियर ही हो गया। सो सिंपल है, अगर हम इसको डिफाइन ऐसे करेंगे कि अगर हम एक कूलम चार्ज को सर्कुलेट होने में एक सेकेंड लगता है सर्किट में, तो करंट कितना हुआ, वन एम्पियर का। इफ वन कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन अ सर्किट, अगर मैं सर्किट को सी के टी लिखा करूं तो समझा करो उसके बाद से कि सर्किट बता रहा हूं मैं, फ्लोज इन अ सर्किट इन वन सेकेंड, इफ वन कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन अ सर्किट इन वन सेकेंड, द associated current is said to be of 1 ampere। ठीक, अच्छा मैंने बताया करंट को हम एमीटर से मेजर करते हैं, और ये एमीटर ना हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, ये कभी भी पैरेलल में कनेक्ट नहीं किया जाता। ये बात याद रखो, क्यों नहीं करते हम आगे देखेंगे, फिलहाल एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि ये बल्ब है
इसको मैंने कैसे कनेक्ट किया है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, इसको कहते हैं सीरीज कनेक्शन, ओके। और अगर मान लो मैंने बल्ब लिया है सिचुएशन में, ऐसे तीन बल्ब्स लिए हैं और ऐसे कनेक्ट किया है, देखो ये दो पॉइंट्स के बीच में मैंने ए और बी, ये दो पॉइंट्स के बीच में सभी बल्ब्स को ऐसे कनेक्ट किया है, दिस इज कॉल्ड पैरेलल कनेक्शन। और जब हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन। तो ये कहा गया है कि जब भी आपको कहीं पे करंट मेजर करना है, जैसे मान लो इसको हमने सेल से कनेक्ट कर दिया और यहां भी इसको हमने सेल से कनेक्ट कर दिया, तो अगर आपको करंट मेजर करना है तो एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाना होगा जहां भी आपको करंट मेजर करना है। तो अगर जैसे यहां पर जो करंट इधर से निकला है, करंट का डायरेक्शन देखो हमेशा प्लस से माइनस दिखाते हैं, अब उसकी लॉजिक भी थोड़ी सी बता देता हूं कि नॉर्मली सेल का ये पॉजिटिव एंड दिखाया था, ये नेगेटिव। अब लॉजिक ये होती है कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है कहां से कहां, माइनस से प्लस की तरफ। तो इफ इट इज अ सर्किट, समझो ये सर्किट है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां से कहां फ्लो कर रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा कहां पर होंगे, नेगेटिव साइड में, नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करते हैं। तो ये जो करंट है इसको मैं कहता हूं इलेक्ट्रॉनिक करंट। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो मतलब करंट की लॉजिक तो यही है, पर जो कन्वेंशन है वो ये कहता है, मतलब जो हम एक स्टैंडर्ड रूल हम बना के ये बैठे हैं कि कोई भी चीज हाई लेवल से लो लेवल में जाती है। अगर आपने दो टैंक्स को कनेक्ट किया है, एक टैंक में पानी ज्यादा है, दूसरे टैंक में पानी कम है, तो पानी कहां से कहां फ्लो करेगा, वाटर करंट कहां से कहां होगा, फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। अगर आपने दो बॉडीज को कनेक्ट किया आपस में, हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी, ठीक है, एक गर्म है एक ठंडा है, तो हीट कहां से कहां फ्लो करेगा, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर वाला बॉडी, ओके। तो नॉर्मली कोई भी चीज हाई से लो में जाती है। अब सेल में भी ये स्टैंडर्ड बनाया गया है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होता, मतलब देखो पॉजिटिव का मतलब यहां पर हम जनरली दिमाग में हाई बना हुआ है और नेगेटिव मतलब लो, तो ये अज्यूम किया जाता है कि अगर इलेक्ट्रॉन की लॉजिक से ही करंट फ्लो होता है, पर अज्यूम ये करते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से अगर अज्यूम किया जाए, तो नेगेटिव चार्ज अगर यहां से आए तो पॉजिटिव का फ्लो कैसे होता, फ्रॉम प्लस टू माइनस। तो इसलिए भले ही इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो ऐसे है, पर जो अज्यूम किया जाता है, जो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन दिखाया जाता है, वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट विच इज शोन, हम नॉर्मली ऐसे यही दिखाते हैं, भले ही लॉजिक ये है, भले ही सारा लॉजिक यहीं से है, पर हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो प्लस से माइनस करते हैं। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल मतलब जो हम अज्यूम करते हैं। सो नॉर्मली वी शो, जब भी सर्किट दिखाओगे तो ये बात समझ लो कि हमेशा करंट कहां से कहां दिखाना है, प्लस से माइनस, हमेशा प्लस से माइनस, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि जो एमीटर है वो सीरीज में लगेगा, तो देखो करंट यहां पर कैसे फ्लो, देखो यहां से करंट आया, ये इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, मतलब इधर तो क्या हो रहा है, हर एक कंपोनेंट में करंट सेम है, क्योंकि एक ही लूप है, करंट वही जा रहा है। पर यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो टोटल करंट निकला है सेल में से, वो इधर आके डिवाइड हो जा रहा है। सपोज यहां का करंट को आई वन कहता हूं, ये आई टू और ये आई थ्री, और फिर ये करंट आगे जाके फिर कंबाइन होके और फिर से आई बन जा रहा है। मतलब यहां पर आई जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री के फॉर्म में, पर इधर सीरीज में क्या था, करंट सेम रहता। तो अब जब आपको समझो यहां करंट मेजर करना है, तो कैसे कनेक्ट करोगे आप एमीटर को, सीरीज का मतलब क्या है कि आप इसमें वायर में कहीं भी लगा दो ये सीरीज कनेक्शन ही होगा, और करंट हर जगह पे सेम है। तो मान लो मैंने यहां पर ऐसे लगा दिया, कहीं भी लगा दो, लेकिन तरीका यह है कि सेल के प्लस के सामने आपका एमीटर का प्लस होना चाहिए, सेल के माइनस की तरफ एमीटर का माइनस, ठीक है। तो दिस इज सीरीज कनेक्शन, कहीं का भी करंट यहां से पता चल जाएगा। और इस वाले में सीरीज का मतलब क्या होगा, यहां पर हम कैसे कनेक्ट करेंगे, मतलब जहां बल्ब ऐसे पैरेलल वे में कनेक्टेड है वहां सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे। अब देखो जैसे कि आपको सर्किट का टोटल करंट मेजर करना है, तब तो आप यहां लगा दो एमीटर को, लेकिन अगर आपको इंडिविजुअल करंट यहां के मेजर करने हैं, तो ऑब्वियसली इनके साथ सीरीज में लगाओगे, मतलब यहां लगा दो, इसका करंट मेजर करना है तो इधर लगा दो, इसका करंट मेजर करना है तो इधर लगा दो। सपोज दिस इज ए वन, दिस इज ए टू, दिस इज ए थ्री, ये करंट मेजर करेगा आई वन वाला, ये मेजर करेगा आई टू वाला, ये मेजर करेगा आई थ्री वाला। तो इस तरह से आपको जहां भी
जिस भी लूप में, जिस भी सेगमेंट में करंट मेजर करना है, आपको उस पार्ट से या उस कंपोनेंट से एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करना होगा। तो इसके साथ मैंने यहाँ पर ये आपको करंट की लॉजिक समझा दी कि करंट एग्जैक्टली कैसे दिखाया जाता है, कैसे मेजर होता है। ओके, इसके बाद हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।